दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए क्या करेंगे, तो शायद आपका जवाब होगा कि कुछ भी करेंगे। लेकिन क्या आप अपने सपने और अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए सात समंदर पार करेंगे? क्या हो अगर आपका सपना सात समंदर पार हो? तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी ऐसे ही दो लोगों की है जो अपना सपना पूरा करने अपनी जन्मभूमि छोड़ अपनी कम भूमि की तलाश में निकल पड़े। हमारी आज की कहानी है हैम्पस और जोहान बर्दोली की, जिन्हें आप शायद उनके नाम से तो नहीं जानते होंगे, लेकिन शायद यूट्यूब या फेसबुक पर टू फॉरनर्स इन बॉलीवुड के नाम से एक फेसबुक पेज तो आपने देखा ही होगा। जी हाँ दोस्तों, यही दो फॉरनर्स हमारी आज की कहानी के हीरो हैं, जो स्वीडन से भारत आए। तो चलिए जाने इन दोनों की कहानी और भारत आने की वजह। ये दोनों स्वीडन के कॉलेज में मिले, जहां वह बिजनेस में मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे थे। दोनों को बचपन से ही बॉलीवुड मूवीज देखने का बड़ा शौक था। उनके लिए बॉलीवुड वह दुनिया थी जहां एक हीरो और एक विलन होता था, और आखिर में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स के बाद हैप्पी एंडिंग। बॉलीवुड की यह दुनिया इन दोनों को इतनी ज्यादा भा गई कि वह अपनी ग्रेजुएशन पूरी करके दोनों सपनों की नगरी मुंबई आना चाहते थे और बॉलीवुड मूवीज में काम करना चाहते थे। शुरुआत में उन दोनों ने अपने दोस्तों और करीबियों को जब मुंबई जाने के बारे में बताया तो सभी ने कहा कि वह पागल हो गए हैं, ग्रेजुएशन करके सिडनी में ही कोई अच्छी जॉब क्यों नहीं कर लेते। लेकिन दोनों दोस्तों को 9 से 5 वाली नौकरी नहीं करनी थी, क्योंकि इनका लक्ष्य तो बॉलीवुड था और ये दोनों अपने सपनों को पूरा करने निकल पड़े। जब दोनों दोस्त मुंबई पहुंचे तो शुरुआत में कुछ समय तो मुंबई में एडजस्ट करने में ही निकल गया, क्योंकि मुंबई की तेज रफ्तार की जिंदगी शताब्दी एक्सप्रेस से कम नहीं। लेकिन जल्द ही इन दोनों दोस्तों की मुलाकात हुई विधान प्रताप सिंह से, और तीनों यारों की यह तिकड़ी मुंबई के एक फ्लैट में रहने लगी। शुरुआत में इन दोनों दोस्तों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत उनकी भाषा थी। इन्हें हिंदी नहीं आती थी, और बॉलीवुड मूवीज में काम करने के लिए हिंदी आना तो बहुत जरूरी है। इसलिए इन दोनों ने मुंबई में हिंदी सीखने के लिए क्लासेस लेना शुरू किया और जल्द ही फिल्मों के लिए ऑडिशन देना भी शुरू किया। जब वे ऑडिशन नहीं दे रहे होते थे, तब उन्होंने भारत और बॉलीवुड में अपने सफर के पल दुनिया में बांटने चाहे, और इसीलिए एक फेसबुक पेज तैयार किया टू फॉरनर्स इन बॉलीवुड के नाम से, जहां वे मुंबई में अपनी जिंदगी के कुछ खास और दिलचस्प लम्हों की तस्वीरें या वीडियो डाला करते। वीडियो में ज्यादातर मुंबई के आम लोगों की आम समस्या हुआ करती, लेकिन इन आम समस्याओं को भी इस ढंग से दर्शाया जाता कि देखने वालों की हंसी छूट जाए। तीनों दोस्तों की यह तिकड़ी धीरे धीरे फेमस होने लगी। इन दोनों दोस्तों ने फिल्म रंगून में आर्मी ऑफिसर्स का भी किरदार निभाया। जोहन ने फिल्म रुस्तम में काम किया, और हैम्पस रितेश देशमुख के साथ फिल्म बैंजो में नजर आए। और हैम्पस और जोहन की पॉपुलैरिटी तो इस कदर बढ़ गई है कि उन्हें कई कंपनियों से एडवर्टाइजमेंट के ऑफर भी आए। तो यह थी इन दोनों दोस्तों की कहानी जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए भारत आए। आज अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए भारत से बाहर विदेश जाते हैं, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने सपनों को ढूंढते हुए भारत आते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी अपना सपना आपकी मंजिल जल्दी मिले। आशा है दोस्तों आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।